हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। तो नीट की बात हम कर रहे हैं आज, ठीक है। तो नीट की बात कर रहे हैं और हम सॉल्व कर रहे हैं PYQs, और PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि यू नो कि इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपको ट्रेंड पता चल जाता है, एग्जाम का कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपका रिवीजन हो जाता है ना, और आपकी प्रैक्टिस जो है वो बढ़ जाती है, ताकि जो आपका मेन एग्जाम है उसमें आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा और एक फ़ायदा ये है कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। जो पिछले ज़माने में किसी एग्जामिनर ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मे बी कोई नया वाला फ्यूचर में वह क्वेश्चन रिपीट करे। सो देयर आर सो मनी आई मीन बेनिफिट्स ऑफ सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। एंड यू नो, जो हमारा पहला सेशन था उसमें हमने एक चैप्टर पिक किया था, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है, इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा ध्यान आप यहीं पर रखेंगे तो हम सॉल्व करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। सेल वॉल शोज, सेल वॉल जो होता है प्लांट्स का, वो क्या शो करता है? डज इट शो कंप्लीट परमेबिलिटी? डज इट शो इसमें परमेबिलिटी? डज इट शो डिफरेंशियल परमेबिलिटी? और डज इट शो इम्परमेबिलिटी? तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि सेल वॉल्स जो होते हैं, दे आर कम्प्लीटली परमेबल। दैट मीन्स दे शो कम्प्लीट परमेबिलिटी। सेम परमेबल आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इम्परमेबल मेम्ब्रेन भी सेल वॉल नहीं होता है। सो इट्स कम्प्लीटली परमेबल। सो सेल वॉल शोज कम्प्लीट परमेबिलिटी। दूसरा क्वेश्चन AIPMT 1993 में पूछा गया था, मतलब आज से लगभग 29 साल पहले पूछा गया था क्वेश्चन। सो इट कैन बी रिपीटेड। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि नेम ऑफ श्लीडन एंड शिवान, ठीक है। सो आई डोंट नो हाउ डू यू प्रोनाउंस इट, लेकिन मैं ऐसे ही करता हूँ। तो इन दो साइंटिस्ट का नाम जो है वो किसके साथ एसोसिएट है, किस थ्योरी के साथ एसोसिएट है? अगर हम नीचे से ही आए, न्यूक्लियस फंक्शंस एज कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल नहीं, थियरी ऑफ सेल लीनेज ये विर्चो साहब ने दी थी, एंड इट स्टेट्स दैट जो सेल्स हैं दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। दिस टू साइंटिस्ट हैव नथिंग टू डू विद दिस। देन सेल थियरी, येस सेल थियरी, तो आपको याद हो आया होगा कि सेल थियरी जो है वो दी थी इन दो साइंटिस्ट ने। अगर प्रोटोप्लाज्म एज ए प्रिंस फिजिकल बेस ऑफ लाइफ की बात करें, दिस थियरी वॉज प्रपाउंड बाय हक्सले, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हियर इज बी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे साइंटिस्ट के नाम डिफरेंट है और डिफरेंट थियरी की बात की गई है। सो इट इज फ्लूइड मोसेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय, जो मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है इसको इल्यूस्ट्रेट करने के लिए बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए, और एक मॉडल था उसमें फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है, जिसने बोला कि ये लिपिड फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है और इट्स फ्लूइड, एंड देन यू हैव सम प्रोटीन्स जो एम्बेड होते हैं इस मेम्ब्रेन में। तो ये किसने दिया? नहीं, डैनियल डेविसन ने नहीं दिया, गन एलर्ड ने नहीं दिया, वाटसन क्रिक ने नहीं दिया, देवर कंसर्न विद DNA स्ट्रक्चर। तो सिंगर एंड निकोलसन है इसका सही आंसर, यू मस्ट बी नोविंग इट, ओके। तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज़ ए हाई रेजोल्यूशन पावर, दिस इज ड्यू टू, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है इसका जो रेजोल्यूशन पावर होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड यू नो रेजोल्यूशन पावर होता है क्या? रेजोल्यूशन पावर होता है कि अगर आपके दो पॉइंट्स बहुत क्लोज हों, दो ऑब्जेक्ट्स बहुत क्लोज हों, तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, इनको रिजोल्व करता है। दैट मीन्स जब आप वहाँ इमेज देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, आपको ये पॉइंट्स जो हैं बहुत दूर नज़र आते हैं, ठीक है। सो इट्स कॉल्ड रिजोल्विंग पावर। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो रिजोल्विंग पावर है बहुत ज़्यादा होता है। तो किसकी वजह से होता है? तो ये हमने पहले ही लेसन में देखा था, जब हम पिछली बार सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन की, हमने बोला था कि रिजोल्विंग पावर जो होता है इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम यूज़ होती है, एंड इट हैज़ गॉट इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है ना। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ बहुत कम होगी, तो इसी वेवलेंथ कम होने की वजह से जो इसका रिजॉल्विंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो आवर क्वेश्चन गेट सॉल्व, इट इज़ बिकॉज ऑफ वेरी लो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जो 1989 में पूछा गया था CBSE AIPMT एग्जाम में। यहाँ पे बोलते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किसकी बनी हुई होती है, क्या प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की ही बनी हुई होती है, चाहे लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, चाहे क्या ये प्रोटीन्स लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की बनी हुई होती है, या फिर प्रोटीन्स सम न्यूक्लिक एसिड लिपिड्स बनी होती है। देखिए यहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते न्यूक्लिक एसिड मीन्स DNA और RNA, तो मेम्ब्रेन में तो ये होगा ही नहीं, सो दिस वन इज एलिमिनेटेड, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक तो आपके प्रोटीन्स होते हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ऐसे होगा रफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ऐसे आपका फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ये एक लेयर है, दूसरा लेयर, और उसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे, ठीक है। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स भी थोड़े होते हैं, सो टू बी प्रिसाइज वी कैन से कि इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं और थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। सो दिस वन इज करेक्ट आंसर, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज इनकम्प्लीट आंसर, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इज इनकम्प्लीट आंसर, ठीक है। ये होते हैं लेकिन इसके अलावा भी कुछ और चीज़ होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, सो आवर आंसर इज सी। तो यहाँ पे एलिमेंट नेसेसरी फॉर मेटल लैमिला, मेटल लैमिला यू नो इट्स अ सिमेंटिक मटेरियल बिटवीन द सेल्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेल है एक, यहाँ पे आपकी दूसरी सेल है, यहाँ पे आपकी तीसरी सेल है, ठीक है। तो ये प्राइमरी सेल वॉल है आपका, ये जो ये है ये प्राइमरी सेल वॉल है, इसके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल है, ऐसी ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये वाला सीमेंटिंग मटेरियल है जो इसको सीमेंट करके रखता है, बाइंड करके रखता है सेल्स को, उसको हम बोलते हैं मिडल लमीला, ठीक है ना, मिडल लमीला। तो मिडल लमीला में क्या होता है, यू मस्ट बी नोइंग कि इसमें दो चीज़ें ज़्यादा होती हैं, एक होता है कैल्शियम, दूसरा होता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पे कैल्शियम आपके पास है तो जिंक नहीं है, पोटेशियम नहीं है, कॉपर नहीं है, सो इट इज़ कैल्शियम। अगर मैग्नीशियम होता तो वो भी आंसर था, सो कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो हमारा आंसर है कैल्शियम। तो यहाँ पे इन प्लांट्स इन्यूलिन एंड पैक्टिन आर AIPMT 2001 में पूछा गया था, वेस्टेज नहीं है, ठीक है। पैक्टिन आप फ्रूट वॉल्स में देखते हैं, इल्यूरिन भी एक स्टोरेज मटेरियल है, रिजर्व मटेरियल है, एक्सक्रेटर मटेरियल भी नहीं है, इंसेक्ट अट्रैक्ट मटेरियल भी नहीं है, सो दीज आर रिजर्व मटेरियल्स, ओके। इनुलिन, पॉलीसेक्राइड, पैक्टिन, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं दे आर रिजर्व मटेरियल्स के इन प्लांट्स, हमारा आंसर यही है। तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्वाइट रिसेंटली पूछा गया था नीट 2021 में, बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है इनमें से, मतलब अगर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गई देन यू कैन एलिमिनेट अदर्स। पहला जो ये ऑप्शन है वो है कि मैचर स्यू ट्यूब एलिमेंट्स, जो आपके फ्लोइम की जो सेल्स होती हैं, मैचर स्यू ट्यूब एलिमेंट्स जो मैच्योर होती हैं, मतलब ओल्ड सेल्स होती हैं, स्यू ट्यूब एलिमेंट्स, दे पोजेस ए कॉन्स्पिकस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लास्मिक ऑर्गेनलीज, नो, ये जो सेल्स होती हैं मैच्योर साइटोप्लास्मिक, ये जो मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है और साइटोप्लास्मिक ऑर्गेनलीज में नहीं होते हैं, सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर यही है क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया, अगर आप इनको छोड़ें भी तो यू कैन लीव देम, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ किलिंग टाइम वी कैन रीड देम इन ऑर्डर टू क्रॉस चेक। यहाँ पे है माइक्रो बॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एनिमल्स, येस, दोनों में होती हैं, एनिमल सेल्स में भी होती हैं, प्लांट सेल्स में भी होती हैं माइक्रो बॉडीज, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पेरीन्यूक्लियर स्पेस जो होता है इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, येस, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ऐसे जो दो मेम्ब्रेन इसके दरमियान जो स्पेस होती है इसका पेरीन्यूक्लियर स्पेस, सो इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। द न्यूक्लियर पोर एक्ट्स एज पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आरएनए मॉलिक्यूल्स और जो प्रोटीन्स होते हैं वो बाई डायरेक्शनल मूवमेंट दिखाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी जो पहली है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो उसके बाद है दी ऑर्गेनलीज दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में वो ऑर्गेनलीज आती हैं जिनका जो फंक्शन होता है दैट इज समवट कोऑर्डिनेटेड, ठीक है ना। जैसे आपके पास यहाँ पे इसमें आता है एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम आता है आपका, दिस गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोम्स आते हैं, वैक्यूल्स आते हैं, राइबोसोम इसमें नहीं आते हैं, सो दिस वन कैन बी एलिमिनेटेड,
ऐसे आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रियन है इट कैन ऑल्सो भी एलिमिनेटेड बिकॉज इसका जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है इनके साथ. उसके बाद यहाँ पे फिर आप राइबोसोम्स को एलिमिनेट कर सकते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज दिस वन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोम्स एंड वैक्यूल्स. ये भी 2021 में पूछा गया था क्वाइट रिसेंटली. उसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज ऑफ ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर. इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? दे आर बेसिकली प्रोटीन बाउंड. ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्पल बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन ये होते हैं ना, तो इनमें क्या होता है, इनमें गैस वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, गैस वैक्यूल्स होते हैं, दे आर देयर फॉर बॉयंसी. बॉयंसी के लिए काम आते हैं, इनका जो मेन फंक्शन है फॉर द बॉयंसी. लेकिन ये प्रोटीन बाउंड होते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज गैस वैक्यूल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज इट वॉज आस्क्ड इन 2020 अक्टूबर नीट. ओके, तो यहाँ पे कॉलम ए को कॉलम बी से, ये कॉलम ए को यहाँ पे क्या है, कॉलम वन को कॉलम टू से मिलाना है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. यू जस्ट हैव टू, यहाँ पे ऑर्गेनलीज का नाम दिया गया है, कौन कौन सा ऑर्गेनली है, और यहाँ पे आपको उसका फंक्शन देखना है कि फंक्शन क्या है. सी, आपके पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आर ई आर, आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एस सी आर, आपके पास गोल्जी बॉडी है, आपके पास सेंट्रियोल है. सो यू नो सेंट्रियोल इज देयर फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन. गोल्जी बॉडी है तो इट्स फॉर ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह जो भी है उनको ग्लाइकोसिल ग्रुप मिलाना गोल्जी बॉडी का काम होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही बाउंड होते हैं कौन, राइबोसोम. सो दे आर देयर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये जो अब ये वाला है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज फॉर लिपिड सिंथेसिस. तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा, मैंने यहाँ पे कोड्स नहीं दिए हैं, इट्स विल बी ए टू टू, बी टू वन, देन सी टू दिस थ्री, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, डी टू फोर. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. उसके बाद यहाँ पे विच द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स. यू नो कि राइबोसोम्स में दो सब यूनिट्स होते हैं. ठीक है, चाहे आपके बैक्टीरियल राइबोसोम्स हों, चाहे आपके यूकेरियोटिक राइबोसोम्स हों, उनमें दो सब यूनिट्स होते हैं, एक छोटा होता है दूसरा बड़ा होता है. तो इनकी बाइंडिंग कौन करता है, इनकी बाइंडिंग करता है मैग्नीशियम. ओके, मैग्नीशियम जो आयन्स होते हैं वही बाइंड करते हैं इनको. तो एक खास कॉन्सेंट्रेशन पे ये बाउंड हो जाते हैं. अगर वो कॉन्सेंट्रेशन से कम हो गया, अगर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई मैग्नीशियम की एक थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन से, देन दे डिसएसोसिएट फ्रॉम ईच अदर. तो यहाँ पे बोलते हैं कि कौन मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स, तो यहाँ पे मैग्नीशियम है आपका. जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, मॉलिब्डेनम नहीं है. सो आवर करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम. उसके बाद विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. ये हमने पहले ही बोला यहाँ पे कि जो गोल्जी बॉडी होती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोसाइलेशन. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं, यानी प्रोटीन्स और ये जो क्या बोलते हैं लिपिड्स होते हैं, इनकी ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होती है, गोल्जी बॉडी करता है. ठीक है, सो दिस होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. पेरोक्सोम्स नहीं है, पॉलीसोम्स नहीं है. यस, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोटीन का ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए, ये भी काम आता है. ये हम आगे देखेंगे कैसे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है गोल्जी बॉडी. ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स दोनों के सिंथेसिस में काम आते हैं. देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन हियर, ये नीट 2019 में पूछा गया है ओडिशा. तो यहाँ पे भी कॉलम वन एंड कॉलम टू है. गोल्जी बॉडी का काम क्या है, वही भाई फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइलेशन. लाइसोसोम्स को क्या बोलते हैं, दे आर द सोसाइटल बैग्स. ओके, तो दे डाइजेस्ट बायोमोलिक्यूल्स. वैक्यूल्स का क्या काम होता है, दे ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल. एंड द राइबोसोम्स का क्या काम होता है, दे आर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो मिल गया. सो दिस वॉज ऑल आई कुड मैनेज टुडे फॉर यू. तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बेटा ये जो कॉन्टेंट है फ्री कॉन्टेंट है, यू जस्ट ट्राई टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल, ताकि उनको भी पता चले. और इस सीरीज़ में हम कंप्लीट कोशिश करेंगे कि सारा का सारा जो भी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे गए हैं हर किसी चैप्टर में, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए एंड यू गेट बेटर प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. इसके अलावा और एक अनाउंसमेंट है, सिंपल सी अनाउंसमेंट है कि जो NCERT है उसको हम लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे. बिकॉज यू नो कि 95-100% ऑफ द क्वेश्चंस कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम NCERTs. तो NCERT की सीरीज़ भी आने वाली है
in near future. Thank you.